सभी को मेरा नमस्कार। मैं किरण जोशी, MSc सेकंड सेमेस्टर बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट फ्रॉम साई कॉलेज। मैं आप सभी के लिए एक पोइट्री लेकर आई हूँ। इस पोइट्री में एक स्टोरी भी है और ये स्टोरी मैं डेडिकेट करना चाहूँगी उन वीर योद्धाओं को जो हमारी देश की रक्षा के लिए, हमारी रक्षा के लिए शहीद हो जाते हैं। ममता के आंचल से निकलकर जब वो लगे मंजिलों को ढूंढने, उनकी राह में उन्हें धूप भी मिली, छाया भी मिली। तो जवान कहता है, जब सफर धूप का हुआ तो तजुर्बा हुआ वो जिंदगी ही क्या जो छाँव छाँव चली। जवान भर्ती की प्रक्रिया में सम्मिलित होता है और दौड़ लगाने की बारी आती है। जवान दौड़ में हिस्सा लेता है, जवान दौड़ता है, दौड़ते दौड़ते अचानक जवान गिर जाता है, फिर उठता है, फिर दौड़ता है, फिर गिर जाता है। तो खुद से कहता है, चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, मंजिल मिले ना मिले मुझे, मैं अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। अफसोस, जवान बाहर हो जाता है और वो उदास चेहरा लेकर अपने घर जाता है। माँ उसका उदास चेहरा देखकर समझ जाती है। माँ कहती है, बेटा परिंदों को मंजिल मिल जाएगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। माँ कहती है, बेटा अमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए ना तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिशों का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। माँ की इस बातों से उसे बड़ा हौसला मिलता है और वो दूसरी भर्ती की तैयारी करता है। देखते ही भर्ती आ जाती है, फिर से वो भर्ती में जाता है, दौड़ लगाने की बारी आती है, जवान दौड़ता है, दौड़ते दौड़ते मंजिल पास आ जाती है। अचानक जवान गिर जाता है, उसके पैर में चोट लग जाती है, उसका पैर लहूलुहान हो जाता है। जवान अपने पैरों को कहता है, खोल दे पंख मेरे अभी उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी अभी पूरा आसमान बाकी है, खोल दे पंख मेरे अभी उड़ान बाकी है। और दौड़ता है और जीत भी जाता है। कुछ दिन बाद जवान के घर उसका कॉल लेटर आता है और जवान सीमा पर जाने की तैयारी करता है। जाते जाते उसकी आंखों में आंसू रहते, अपनी माँ को कहता है, अच्छा माँ मैं जा रहा हूँ अब तो अपना ख्याल रखना, और अगर तिरंगे से लिपटा हुआ मैं आऊँ ना तो तू खुद पे नाश करना, अगर तिरंगे से लिपटा हुआ मैं आऊँ तो तू खुद पे नाश करना, अच्छा माँ मैं जा रहा हूँ अब तो अपना ख्याल रखना, अगर मेरी याद में आए तेरी आंखों में आंसू तो तू मेरी वर्दी को देखकर खुद पे नाश करना, अच्छा माँ मैं जा रहा हूँ अब तू अपना ख्याल रखना। उस जवान के पास यादें बस थी अपनी माँ की, अपने घर की, अपने गाँव की, उसके पास कुछ भी नहीं था। तो ये लाइनें मैंने उस वक्त के लिए लिखी हैं। हदे शहर से निकली गांव गांव चली कुछ यादें मेरे संग पांव पांव चली। जवान देश की सीमा पर पहुंच जाता है, वहां पर दुश्मन परस्पर खड़े रहते हैं लड़ने के लिए। जवान दुश्मनों को कहता है, लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी ना समझ ऐ नादा, लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी ना समझ ऐ नादा, जितनी गहराई अंदर है ना उतना तूफान बाहर बाकी है, जितनी लहर गहराई अंदर है उतना तूफान बाहर बाकी है। देखते ही देखते लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ते लड़ते जवान के सीने पे गोली लग जाती है, उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं, उसके कदम डगमगा जाते हैं, वो जमी पर जा गिरता है। लेकिन न जाने कहां से इन योद्धाओं में इतनी ताकत आती है, इतना हौसला आता है, वो बंदूक को उठाता है और दुश्मनों को करारा जवाब देता है। ये लाइनें मैंने उस वक्त के लिए लिखी हैं। आंखों में मंजिलें थी गिरे और संभलते रहे, आंधियों में कहां दम था चिराग हवा में भी जलते रहे। और देखते देखते लड़ते लड़ते वो थक जाता है और जमीन पर जा बैठता है और आसमान की तरफ देखकर कहता है, अब मैं थक गया हूँ मुझसे नहीं हो पाएगा। उसको माँ की ये बातें याद आती है जो माँ ने उससे कही थी, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, अपने पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। और
जवान उठ जाता है और लड़ता है, लड़ते लड़ते देखते ही देखते सारे दुश्मनों को ढेर कर देता है, खुद लहूलुहान हो जाता है और अपनी आखिरी सांसों में दो लाइनें उन लोगों के लिए कहता है जो भविष्य के जवान हैं। कहता है, झुको तो ऐसे झुको, झुको तो ऐसे झुको बंदगी भी नाश करे, झुको तो ऐसे झुको बंदगी भी नाश करे, उठो तो ऐसे उठो फक्र हो बुलंदी को, उठो तो ऐसे उठो फक्र हो बुलंदी को, झुको तो ऐसे झुको बंदगी भी नाश करे। और मैं इन सभी शहीदों को, जवानों को दिल से नमन करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।